धातु या धातु पहचानने के दो आसान तरीके। अगर आपको धातु और अधातु नहीं पहचान में आते कि आखिर दिया गया जो एलिमेंट है, दिया गया तत्व है, वो धातु है या धातु है, तो बस इसका दो आसान तरीका बताऊंगा। दो आसान तरीके के माध्यम से मैं आपको धातु और अधातु पहचानना सिखा दूंगा, इसलिए इस चीज को अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। ऐसा कोई तरीका आपको समझा नहीं सकता है। पहली बात है, आपको धातु पहचान है। धातु पहचानने के पहला तरीका होता है, जब किसी तत्व के अंत में यदि यम लगा हो, यम जैसे आप यहां पर देखे लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, देखो सबके अंत में यम लगा है। तो पहला सिंपल तरीका धातु पहचानने का, जिसके अंत में यम लगा होगा, जिसके अंत में यम लगा होगा वो धातु, और जिसके अंत में यम नहीं लगा होगा वो अधातु। ये पहला तरीका है। मतलब जिस तत्वों के अंत में, जिस तत्वों के शब्दों के नाम के अंत में यदि यम लगा हो, यम 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 लगा हो, तो वो क्या कहलाती है? धातु कहलाती है। ये धातु कहलाती है, यम के द्वारा पहचान सकते हैं। इसमें यम नहीं लगा हो, जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में एन लगा है, इसका मतलब वो कौन सा हो जाएगा? धातु हो जाएगा। तो धातु पहचानने का सिंपल से सिंपल तरीका है कि जिस तत्व के अंत में क्या लगा हो, यम लगा हो। जैसे आप देखिए लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, स्टेडियम, प्लूटोनियम, रुबिडियम, सीजियम, रेडियम, पोलेडियम, यूरेनियम, इस सब के अंत में क्या लगा है? यम लगा है, इसका मतलब ये क्या धातु है। धातु पहचानने का सिंपल ये पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी भी तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके अंतिम कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉन एक, दो या तीन चले आते हैं तो वो धातु कहलाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतिम कक्षा में यदि एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, चाहे दो इलेक्ट्रॉन आ जाए या तीन इलेक्ट्रॉन आ जाए, तीन इलेक्ट्रॉन तक वो धातु कहलाएंगे। लेकिन तीन के बाद अगर चार आ जा रही है तो चार अधिकतर उपधातु को दर्शाता है। तो चार आएंगे तो उपधातु को, लेकिन पांच, छह, सात, आठ ये अधातु को दर्शाने का काम करते हैं। जैसे आप देखिए सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करने आता है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1। सोडियम का 11 होता है तो 11 का 2, 8, 1, तो इसके अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन आ गए, तो जिसमें एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन आते हैं अंतिम कक्षा में वो धातु कहलाते हैं। इसका मतलब है सोडियम धातु है। जैसे यहाँ पर देखिए क्लोरीन, क्लोरीन का 17 होता है, तो 17 को आप तोड़ के देखिए उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए तो 2, 8, ठीक है ना, उसके बाद अंत में 7 आएगा। तो इसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 7 आ रहे हैं, तो जिसमें 7 आएगा, देखो देखो अधातु में क्या होता है, या तो अंतिम में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो या तो 5 आए, नहीं तो 7 आए, नहीं तो 8 आए, हाँ, तो ये सब क्या हो जाए, चले आएंगे अधातु में चले आएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से भी आप पहचान सकते हैं। सिंपल यही तरीका है कि जिसके अंत में यम लगा हो, हाँ, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करने आती है, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं करने आती है तो भी आप क्या कर सकते हैं, जिस शब्द के अंत में, जिस तत्व के अंत में यम लगा होगा पहचान सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आती है तो सिंपली उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिए, कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद अंत में यदि आपका तत्व क्या है, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, जिसको संयोजी तत्व के नाम से है, संयोजी एलिमेंट के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, तो अंतिम कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉन एक क्या है, एक आए, दो आए, तीन है, तो वो क्या कहलाएंगे, धातु कहलाएंगे। यदि उनके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने चले आएंगे, आपके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 या 8 चले आएंगे, तो इसका मतलब वो अधातु हो जाएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे जैसे कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, तो 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 4 चलाएगा, तो 4 ये कार्बन अधातु है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि 4 में क्या होता है, उपधातु होता है। लेकिन देखो अधिकतर 4 में जो होता है ना, उपधातु होता है। अधिकतर 4 अगर किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चलाता है तो क्या होता है, उपधातु होता है। इसलिए 5, 6, 7 यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अंत में आ रही है तो आंख मूंद के बोलिए वो धातु है, और उसके अंत में यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, 2, 3 आ रही है तो आंख मूंद के बोलिए वो क्या धातु है। तो धातु और धातु पहचानने का सिंपल तरीके, ठीक है ना। देखो धातु पहचानने का पहला तरीका यम देखना है, शब्द के अंत में यम लगा है तो धातु है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखो, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1, 2, 3 है तो भी वो क्या है, धातु है। और अधातु पहचानने का देखो दो तरीका। पहला, जब किसी शब्द के अंत में, जब किसी शब्द के अंत में न लगाओ, चाहे र लगा हो या डंटी स लगा हो, क्या क्या, जब किसी तत्व के अंत में न, र और डंटी स लगा हो, न, र या डंटी स लगा हो, जैसे हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, देखिए फास्फोरस, सल्फर, यहाँ स निकल गया, यहाँ र निकल गया, तो जब किसी तत्व के नाम के अंत में न या र या स लगा है तो इसका मतलब है कि वो धातु है। देखो किसी भी तत्व के अंत में यम छोड़कर अगर यम आ रही है उसके अंतिम में तो इसका मतलब वो धातु है, और यम छोड़कर कोई और आ रही है तो इसका मतलब वो क्या अधातु है। तो जिस तत्व के अंत में न, र, स आ जाए इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, धातु। इसमें आप देखिए सब इसमें न, र, स ही है तो इसका मतलब ये क्या है, अधातु है। और उसके बाद देखिए दूसरा तरीका, यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं और उसके अंतिम कक्षा में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो अधातु है। तो दो तरीका, पहला यदि किसी तत्व के नाम के अंत में यम लगा हो तो वो धातु कहलाएगा, और यदि किसी तत्व के अंत में न, र, स लगा हो तो वो क्या कहलाएगा, अधातु कहलाएगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख सकते हैं, यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाह्यतम कक्ष में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो धातु कहलाएंगे, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो अधातु कहलाएंगे। अगर 4
इलेक्ट्रॉन आ गए तो उसमें ज्यादातर परिस्थितियां बनती है उपधातु की, इसलिए चार को नहीं उठाई जाती है। तो मेरे अनुमान से देखो कुछ अपवाद भी धातुएं होती है, अपवाद का मतलब एक्स्ट्रा में, जिन पर कोई रूल नहीं लग सकता, कोई ट्विक नहीं लग सकता है। जैसे मैग्नीज हो गया, इसमें जौ नहीं आ रही। देखो मैग्नीज, आयरन, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, जिंक, कॉपर, टिन, सोना, सिल्वर, ये सब क्या होता है, धातु होते हैं। या देखेंगे एक्स्ट्रा में है, एक्स्ट्रा का मतलब अपवाद में, तो अपवाद में हम लोग कोई ट्रिक्स नहीं लगा सकते हैं। ट्रिक्स धातु पहचानने का मैंने यम बता दिया। और बताइए ये सब धातु है, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, ये सब धातु है, क्या इसमें यम लगा है? नहीं लगा। तो ये अपवाद में आते, इसलिए इसको आप याद कर लीजिएगा। तो अधिकतर धातु के अंत में यम लगा होता है और अधिकतर धातु के अंत में न, र, स लगा होता है। अगर कोई भी धातु को आप सिंपली पहचानना चाहते हैं, सिंपली आप पहचान लेना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करने आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, यदि उस तत्व के अंत में यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी उसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन यदि 1, 2, 3 आ गए तो वो क्या जो धातु, यदि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 आ गए तो वो कहलाएंगे अधातु। दो आसान तरीका है। तो मेरे अनुमान से अपवाद में ये सब धातु है, तो ये सब याद कर लेना चाहिए कि मैग्नीज क्या धातु है। अब बोलेंगे मैग्नीज जो आ रही है, जैसे आयरन न आ रहा है, तो मैंने बताया कि न आएगा तो वह धातु हो जाएगा, लेकिन नहीं, आयरन या लोहा दोनों एक ही होता है, ये सब क्या है, एक धातु होते हैं। तो ये अपवाद में चलाया, तो अपवाद के लिए कोई ट्रिक नहीं लगता है। तो मेरे अनुमान से धातु और अधातु पहचानने के दो आसान तरीके आपको सिंपल से दिमाग में बैठ गई होगी, और इतना आसान तरीका कोई आपको समझा नहीं सकता, बता नहीं सकता है। आपके लिए काफी हार्ड मेहनत करी जा रही है, तो कम से कम थोड़ा सा आप एक काम करें, इस वीडियो को कुछ लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोगों को भी कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट मिल सके। जय हिंद।